नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में गैस सिलेंडर में 200 रुपए की कमी को झामुमो ने बताया उपहास। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को उनके गैस सिलेंडर के भुगतान में 200 रुपए की कमी पर उपहार नहीं बल्कि उपहास किया है। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि यह एक स्वस्थ आदमी का गला रेतने के बाद उनके नश्वर शरीर में खून चढ़ाने जैसा है। सुप्रियो ने कहा है कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई, घटते रोजगार, बढ़ती बेरोजगारी, आदिवासी एवं दलितों पर लगातार हो रहे अत्याचार इस बात की गवाही देता है कि देश आज किस रास्ते की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में देश भर के प्रतिष्ठित और दूरगामी चिंतकों की अथक मेहनत और विचारों के बाद तैयार हमारे संविधान को बदलने की बात करने वाले भाजपा के नेताओं को बताना पड़ेगा कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये अनुदान देकर देश के 20 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों के ऋण को माफ कर किस अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। पलामू में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने 18 लोगों को रौंदा, 4 की मौत। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के बराव गांव में बड़ा हादसा हुआ है। यहां स्टेट हाईवे पर कार ने 18 लोगों को रौंद दिया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है। मृतक की पहचान पलामू जिले के चैनपुर थाना के नरसिंहपुर पथरा निवासी 36 वर्षीय योगेंद्र चौरसिया उर्फ उदय प्रसाद चौरसिया, उनका भतीजा 15 वर्षीय रोहित कुमार एवं गढ़वा जिला के कोटा गांव निवासी 40 वर्षीय मधु मेहता के रूप में की गई। बता दें, अज्ञात की पहचान अभी भी नहीं हो सकी है। गंभीर रूप से घायल 14 लोगों का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल व निजी अस्पताल में चल रहा है। मंगलवार की सुबह में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑन ड्यूटी सर्जरी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर सुशील कुमार पांडे ने बताया है कि घायलों का इलाज चल रहा है। हालांकि इलाज के बाद सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि झारखंड में संचालित खनन परियोजनाओं का नामांकन यहां की परंपरा, संस्कृति और जनभावना के अनुरूप किए जाएं। बता दें, डुमरी उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे झारखंड की संस्कृति, इतिहास और परंपरा की पैरोकारी शुरू हो गई है। एक तरफ संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कई जगह संथाली भाषा में लोगों से रूबरू हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां संचालित खनन परियोजनाओं को मूल भावनाओं से जोड़कर एक बहस छेड़ दी है। डुमरी उपचुनाव 5 सितंबर की सुबह 7 बजे से वोटिंग। डुमरी विधानसभा उपचुनाव 5 सितंबर को है। कड़ी सुरक्षा में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 8 सितंबर को वोटिंग की गिनती सुबह 8 बजे से होगी। वेब कास्टिंग से पूरे उपचुनाव पर नजर रखी जाएगी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को धुरवा स्थित कार्यालय के सभागार में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मतदान एवं मतगणना को लेकर डुमरी विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गिरिडीह के पचम्बा स्थित कृषि उत्पाद विपणन समिति में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। वहीं 16 टेबल पर कुल 24 राउंड में वोटिंग की गिनती की जाएगी। वोटिंग के दिन गिरिडीह एवं बोकारो जिले में ड्राई डे घोषित किया गया है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया होंगे सम्मानित। झारखंड राज्य खाद्य आयोग का स्थापना दिवस 9 दिसंबर को है। इस अवसर पर झारखंड के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सफल क्रियान्वयन और निगरानी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। बता दें, मंगलवार को झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने यह जानकारी आयोग कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में दी है। उन्होंने कहा है कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया के चयन के लिए कुल 8 मापदंड तय किए गए हैं। इन मापदंडों के आधार पर ही जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले मुखिया का चयन किया जाना है। निर्धारित मापदंड के आधार पर अंक प्रदान करने के लिए सभी जिलों में एक चयन समिति का भी गठन किया जाएगा। झारखंड के 12,940 स्कूलों में नहीं है खेल के मैदान। झारखंड के 12,940 स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है। पूरे देश की बात करें तो देश भर में 3,43,148 स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है।
केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों में इसका जिक्र है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये आंकड़े U-2021-22 के तहत देश भर के सरकारी और निजी स्कूलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर जुटाए हैं। रिपोर्ट बताती है कि राज्य के कुल 44,855 सरकारी और निजी स्कूलों में से 31,915 में ही खेल के मैदान हैं। उधर देश भर के कुल 14,89,115 स्कूलों में से 11,45,967 में ही खेल के मैदान हैं। राज्य के स्कूलों में हुई नियुक्ति के आकलन से यह बात पता चलती है कि सरकारी स्कूलों में खेल शिक्षकों की भी भारी कमी है। राज्य के सरकारी मध्य विद्यालयों में तो खेल शिक्षक का पद ही नहीं है। बेबी देवी के पक्ष में सीएम हेमंत की चुनावी सभा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस हैं, सभी अपने अपने प्रत्याशी को जिताने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मोर्चा संभाल लिए हैं। बेबी देवी के पक्ष में वोटर्स से वोट की मांग करते विपक्ष पर जमकर निशाना साध रहे हैं। मंगलवार को डुमरी के नागाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी आजसू वाले हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने बीजेपी आजसू से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि इनके झांसे में न आए, यह एक तरह महंगाई को आसमान पर ले जाते हैं तो दूसरी तरफ चूल्हा प्रमुख बनाकर बहकाने की कोशिश करते हैं। कहा है कि विपक्ष के लोग बहुरुपिया बनकर मतदाताओं के बीच धन बल और जाति धर्म के जरिए वोट का बिखराव करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा है कि शेर की तरह जीने वाले दिवंगत टाइगर जगन्नाथ महतो के विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, आज जगन्नाथ दा हमारे बीच नहीं है। 1932 खतियान के नाम पर हेमंत कर रहे राजनीति, रघुवर दास। डुमरी उपचुनाव प्रचार के क्रम में बोकारो जिला अंतर्गत नावाडी चौक पर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार 1932 खतियान के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। सदन में स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं हो सकती। अब बोल रहे हैं कि 2024 में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो लागू करेंगे, जबकि संविधान ने यह राज्य को अधिकार दिया है कि राज्य का स्थानीय व नियोजन नीति लागू कर सके। कहा है कि मैंने भी अपने कार्यकाल में 1985 का मापदंड तय कर स्थानीय नीति लागू किया था, तब तो मैं केंद्र को नहीं भेजा, तो फिर हेमंत सोरेन केंद्र का बहाना बनाकर जनता को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। झारखंड में डर का माहौल, बाबूलाल मरांडी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नवाडीह प्रखंड अंतर्गत ऊपर घाट के कंजकीरो में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि राज्य में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, राज्यवासी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में अपराधी बेकौफ होकर अपराध कर रहे हैं, जिसमें आम जनता एवं व्यापारी डरे हुए सहमे हुए हैं। व्यापारियों से फिरौती की मांग की जा रही है। राज्य में अपराधी बेखौफ होकर अपराध करने में जुटे हैं। उन्होंने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि खुद सीएम ईडी के भय से सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगा रहे हैं। गुमला में सर्च ऑपरेशन में निकले सीआरपीएफ के एक एसआई का निधन। गुमला जिले के घोर उग्रवाद प्रभावित बिष्णुपुर प्रखंड अंतर्गत जोरी पुलिस पिकेट में पदस्थापित सीआरपीएफ 158 बटालियन के एएसआई धीरा सिंह रावत 53 वर्षीय की मौत सर्च ऑपरेशन क्रम में नक्सली अभियान में हो गई। अजमेर जिले के गुरुनानगंज थाना स्थित हाथीकेड़ा गांव निवासी धीरा सिंह रावत की मौत के बाद सीआरपीएफ जवानों ने उनके शव को सीएचसी बिष्णुपुर में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिष्णुपुर पुलिस को सूचना मिलने पर थानेदार द्वारा सीएचसी पहुंचकर शव को सदर अस्पताल गुमला भेज दिया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। डुमरी उपचुनाव एक तूफान है जो सरकार को उखाड़ने का करेगा काम, सुदेश महतो। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की चुनावी सभा तेज है। डुमरी के भरखर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो ने कहा है कि मैंने 70 पंचायतों की यात्रा का संकल्प लिया है। इस यात्रा का उद्देश्य सरकार के विकास की पोल खोलना है। चुनाव तो पहले भी हुई है, लेकिन इस चुनाव का विशेष महत्व है, इसके परिणाम से सरकार पर फर्क पड़ेगा। यह उपचुनाव एक तूफान है जो सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। यूपीए का नाम बदलकर INDIA बनाकर वोट मांग रहे हैं।
गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई, 120 मवेशी लदे 10 वाहन जब्त। गिरिडीह जिले के सरिया पुलिस ने सोमवार की देर रात छापेमारी के दौरान सरिया थाना के समीप 5 ट्रक और 5 पिकअप वैन को जब्त किया है, जिसमें 120 जानवर लदे थे। इस संबंध में सरिया थाना प्रभारी अनीश कुमार पांडे ने बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सरिया बगोदर रोड होते हुए बंगाल की ओर पशु लदी गाड़ियां जा रही हैं। सूचना मिलते ही सरिया पुलिस हरकत में आ गई और पेट्रोलिंग चालू कर दिया। इसी दौरान रात्रि के लगभग 1 बजे सभी गाड़ियों को बिहार से चलकर रायधनवार होते हुए बगोदर की ओर जा रही थी, सबको सरिया थाना के समीप रोका गया। इस बीच ट्रक चालक भी सरिया पुलिस के गिरफ्तार में आ गए हैं। साक्ष्य के अभाव में गैंगस्टर अमन साहू बरी। रांची की न्यायिक दंडाधिकारी परवीन उरांव की अदालत ने रंगदारी मांगने के 2 मामलों में गैंगस्टर अमन साहू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में एक भी गवाह कोर्ट नहीं पहुंचा। अदालत ने अभियोजन पक्ष को आरोप साबित करने के लिए कई बार समय प्रदान किया था, लेकिन कोई गवाह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। बता दें कि 60 लाख की रंगदारी मांगे जाने की घटना को लेकर दोनों मामले खलारी थाना में लालेश्वर महतो और अब्दुल्ला अंसारी ने दर्ज कराए थे। झारखंड में 3 सितंबर तक हल्की बारिश की संभावना। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई है। बिहार की भांति झारखंड में भी मानसून कमजोर पड़ चुका है। इसकी वजह से अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा है और इसी बीच अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बता दें, सबसे अधिक तापमान गोड्डा का 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक बारिश 0.2 मिलीमीटर धनबाद के पुटकी में दर्ज की गई, जबकि अन्य हिस्सों में बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई है। रांची मौसम विभाग के अनुसार 3 सितंबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना भी है। बुजुर्ग महिला से 50 रुपये लेने वाला ASI निलंबित। रुपए वसूली और लोगों को चेकिंग के नाम पर परेशान करने के लिए सुर्खियों में रहने वाला यातायात विभाग के एक ASI राजकुमार यादव ने तो भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। बेटी को अस्पताल देखने जा रही बुजुर्ग महिला को हेलमेट नहीं पहनने के कारण न केवल रोक कर परेशान किया बल्कि घूस भी लेने से परहेज नहीं किया। महिला के पास सिर्फ 50 रुपये थे, ASI ने उसे ही लेकर छोड़ दिया। शिकायत वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार तक पहुंची। जांच रिपोर्ट में SSP ने आरोप को सत्य पाया है। इसके बाद तत्काल प्रभाव से ASI को निलंबित करते हुए गोलमोरी पुलिस लाइन में पदस्थापित कर दिया गया है। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने की ग्रामीणों की हत्या। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भाकपा माओवादी नक्सलियों ने फिर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। बता दें कि एक सप्ताह के भीतर नक्सलियों ने अब तक 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जिससे इलाके में दहशत है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार भाकपा माओवादी नक्सलियों ने सोमवार की रात गोइलकेरा थाना अंतर्गत घोर नक्सल प्रभावित राजा बासा के कटम्बा गांव से एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे अपने साथ ले गए। बाद में नक्सलियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण नक्सलियों ने मृत पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया है या नहीं, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। लंपी वायरस से धड़ाधड़ हो रही मवेशियों की मौत। दुमका जिला के रामगढ़ प्रखंड के आधा दर्जन गांवों में एक सप्ताह के अंदर लंपी स्किन डिजीज से अब तक तकरीबन 2 दर्जन मवेशियों की मौत हो गई है। हालांकि पशुपालन विभाग का कहना है कि उनकी जानकारी में मौत का आंकड़ा 1 दर्जन के आसपास ही है। मवेशियों की लगातार हो रही मौत से पशुपालन काफ़ी परेशान और दहशत में है। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ प्रखंड के बौडिया और भालसुमर पंचायत के कई गाँवों में एक सप्ताह के अंदर दर्जनों मवेशियों की मौत हुई है। दर्जनों मवेशी इसकी चपेट में आए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला करने वाले TPC के 2 नक्सली गिरफ्तार। चान्हो थाना क्षेत्र में पुल निर्माण में लगी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला करने वाले 2 नक्सलियों को पुलिस ने धर दबोचा है। TPC नक्सलियों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला कर कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए उन्हें जल्द से जल्द लेवी की रकम पहुंचाने की धमकी दी थी। बता दें, रांची के चान्हू में पुल निर्माण में लगी कंपनी के ठेकेदार के द्वारा रंगदारी देने से इनकार करने पर उनके कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला कर मारपीट करने के मामले का खुलासा कर दिया गया है। इस घटना को नक्सली संगठन TPC के सदस्यों ने ही अंजाम दिया था।